बैंकों की टीयर वन और टीयर टू कैपिटल क्या होती है और इनमें क्या अंतर होता है। किसी बैंक की कुल कैपिटल या पूंजी मुख्य रूप से टीयर वन और टीयर टू कैपिटल को जोड़कर पता चलती है। टीयर वन कैपिटल किसी भी बैंक की प्राइमरी फंडिंग का जरिया होता है। इसमें शेयर होल्डर्स इक्विटी और बचे हुए मुनाफे शामिल होते हैं। यह पूंजी बैंक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताई जाती है और यह बैंक की वित्तीय सेहत के बारे में बताती है। इस पूंजी का इस्तेमाल बिना कारोबार पर असर डाले किसी भी तरह के घाटे को झेलने में किया जाता है। टीयर टू कैपिटल में रीवैल्यूएशन रिजर्व, हाइब्रिड कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स, सबऑर्डिनेटेड टर्म डेट, जनरल लोन लॉस रिजर्व और अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व शामिल होते हैं। इसे सप्लीमेंट्री कैपिटल के रूप में भी जाना जाता है, जो बैंक के आवश्यक रिजर्व के तौर पर रखे जाते हैं। टीयर वन कैपिटल की तुलना में टीयर टू कैपिटल कम भरोसेमंद होता है, क्योंकि टीयर वन कैपिटल की तुलना में इसे कैलकुलेटेड करना और लिक्विडेट करना ज़्यादा मुश्किल होता है। टीयर टू कैपिटल बैंक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं बताई जाती है।